जनता के लिए एक मैसेज, कोरोना से आप सभी को खुद अपना बचाव करना है। कोई भी पार्टी या सरकार, मान लो भाजपा सक्षम होती तो मध्य प्रदेश या यूपी में कोरोना नहीं होता, कांग्रेस सक्षम होती तो छत्तीसगढ़ में नहीं होता, शिवसेना सक्षम होती तो महाराष्ट्र में नहीं होता, केजरीवाल सक्षम होते तो दिल्ली में नहीं होता, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम होते तो ये देश में भी नहीं होता। मुख्यमंत्री सक्षम होते तो उन्हें खुद नहीं होता। अगर पैसों की बदौलत रुक सकता तो अमेरिका में नहीं होता, बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम से रुक जाता तो स्वीडन, फ्रांस या बेल्जियम में नहीं होता। इसलिए कोशिश करिए एक ही बेकार की बहसबाजी में ना फंसे, मास्क लगाए, हाथ सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, और हाँ, वैक्सीन जरूर लगवाएं। बाकी आज की पॉजिटिव खबर यह है कि यूके में वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले 85% तक नीचे आ चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए वायुसेना और रेलवे की तैनाती कर दी गई है। तो ऐसे में उम्मीद है कि भारत में मई जून के बीच वैक्सीनेशन के बाद हम भी कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।